तो होटल ठीक ठाक ही था, यहाँ पे बजट के अंदर अच्छा सा मिल भी नहीं रहा था। और अभी यहाँ पे रोड देखिए पूरा भीगा हुआ है, तो कुछ देर पहले ही बारिश हुआ है इसलिए रोड पूरा भीगा हुआ है। तो देखिए ये रहा आपका कार्शियांग का स्टेशन। तो यहाँ से देखिए कार्शियांग दिखाई दे रहा है। साइट सीन करने के लिए हम लोग उस साइड में एकदम टॉप फिल्म टॉप में गए थे। ये रहा जीप टाइप का, मतलब सुमो टाइप का, इसी से जाओ। तो ये वाला पीछे बैठा हूँ, यहाँ पे देखिए एकदम फ्रंट फेसिंग सीट है, मतलब दूसरा गाड़ी में पीछे का सीट जो होता है इस साइड में बैठने होता है, बट इस गाड़ी में फ्रंट फेसिंग है तो उम्मीद है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6:30 और मैं हो चुका हूँ रेडी। अब मैं वापस सिलीगुड़ी जाऊँगा। तो ये था मेरा होटल रूम कार्शियांग में। तो होटल रूम का प्राइस लिया है 1500। तो होटल रूम कुछ खास नहीं है बट ठीक ठाक है, बेड वेड ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे कार्शियांग में होटल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बजट के अंदर अच्छा होटल मिलना। ये होटल लगभग ठीक ठाक है और बहुत अच्छा होटल का दाम है आपका 2500 के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था। तो होटल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी चलते हैं बाहर, बाहर जाके देखता हूँ। यहाँ से बस तो दार्जिलिंग से आएगा, बस अभी लेट होगा तो जाता हूँ बाहर। शेयर कार अगर मिलेगा, मतलब शेयर टैक्सी करके सीधा चला जाऊँगा सिलीगुड़ी। और इस होटल में देखिए ये स्लीपर भी दिया था, तो ये स्लीपर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे ठंड है, तो वॉशरूम में जाने के टाइम में ये स्लीपर बहुत काम में आता है। तो ये था मेरा होटल, देखिए ये था मेरा होटल। तो होटल ठीक ठाक ही था, यहाँ पे बजट के अंदर अच्छा सा मिल भी नहीं रहा था। और अभी यहाँ पे रोड देखिए पूरा भीगा हुआ है, तो कुछ देर पहले ही बारिश हुआ है इसलिए रोड पूरा भीगा हुआ है। और अभी यहाँ पे ठंड के बारे में कहूँ तो जस्ट हल्का हल्का ठंड है, जैकेट पहनने से अच्छा है, लेकिन मैं जैकेट नहीं पहना हूँ क्योंकि कुछ ही देर बाद थोड़ा सा गाड़ी में बैठने से गर्म लगेगा। तो सुबह सुबह कार्शियांग का शहर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अभी स्टेशन के बगल में जो आपका टैक्सी स्टैंड है वहीं से मिलेगा शेयर टैक्सी। तो फ्रंट का सीट मिलने से तो अच्छा है, नहीं भी मिला तो भी चढ़ के चला जाऊँगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, पीछे बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या तो मिडिल सीट या फ्रंट सीट मिलने से फटाफट चला जाऊँगा। लगभग आपका 1.5 घंटा ऐसा ही लगेगा, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो देखिए ये रहा आपका कार्शियांग का स्टेशन। तो इसके बाद दार्जिलिंग जाने से कोशिश करूँगा ट्रेन में जाने का, ट्रेन का सफ़र आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, टॉय ट्रेन का। तो यहाँ से देखिए कार्शियांग दिखाई दे रहा है। साइट सीन करने के लिए हम लोग उस साइड में एकदम टॉप फिल्म टॉप में गए थे, वो था आपका चिमनी वाला जगह था ऊपर। तो अभी टैक्सी स्टैंड में आके टिकट काट चुका हूँ 150 रुपये करके, जैसे आने के टाइम मिला था वैसे जाते समय। ये रहा जीप टाइप का, मतलब सुमो टाइप का, इसी से जाऊंगा। फ्रंट सीट तो नहीं मिला, पीछे का ही सीट मिला, बट फ्रंट फेसिंग सीट है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो गाड़ी में बैठ चुका हूँ और आपका गाड़ी भी छोड़ चुका है। अभी 7:00 बज रहा है और हमारा जो टैक्सी है वो छोड़ चुका है। तो ये वाला पीछे बैठा हूँ, यहाँ पे देखिए एकदम फ्रंट फेसिंग सीट है, मतलब दूसरा गाड़ी में पीछे का सीट जो होता है इस साइड में बैठने होता है, बट इस गाड़ी में फ्रंट फेसिंग है तो उम्मीद है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो देखिए कार्शियांग का टावर, तो सिलीगुड़ी से इस टावर को दिखाई देता है और इस टावर से भी सिलीगुड़ी दिखाई देता है, बट आज कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि आज पूरा आपका बादल छाया हुआ है, बारिश भी हो रहा है इसलिए। A
as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. नीचे जो दिखाई दे रहा है सिलीगुड़ी में एकदम स्काई क्लियर है, इसका मतलब सिलीगुड़ी में अभी तो बारिश नहीं हो रहा है। आपका काशियान से सिलीगुड़ी का जो शेयर टैक्सी फेयर है वो है 150, मतलब 150 रुपये। अभी हम लोग लगभग रोहिणी में पहुंचने वाले हैं। काशियान से आपको सिलीगुड़ी वापस आते समय बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि पहाड़ से सीधा नीचे आता है तो फटाफट पहुंच जाता है। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे रोहिणी। तो काशियान से सिलीगुड़ी वापस आते समय बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि पूरा सीधा आपका पहाड़ के ऊपर से नीचे आता है, तो इसलिए फटाफट पहुँच जाता है। और आपका सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का जो बस है, बस फेयर है आपका 105, 105 रुपये। इससे पहले तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग बस का वीडियो है, मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिए। इस गाड़ी में जो मैं एकदम पीछे बैठा हूँ, आपका शेयर टैक्सी में जो पीछे बैठा हूँ, बट पीछे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और पीछे आपका यहाँ पे तीन तीन करके बिठाया है, तीन जन को बिठाया है, तो और भी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लग रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और फ्रंट फेसिंग है इसलिए और भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा, मतलब हम लोग प्लेन एरिया में पहुँच चुके हैं, और कुछ ही देर बाद आएगा सुकना, उसके बाद आ जाएगा सिलीगुड़ी। तो ये जो इलाका है पहाड़ का ठीक नीचे, यहाँ पे आपका जो स्कूटी है, हम लोग का घर से लगभग पास में ही है, तो स्कूटी ला के यहीं पे मैंने पहला स्कूटी में जो बैलेंस बनाना पड़ता है बिना स्टार्ट किए हुए यहीं पर सीखा था, क्योंकि यहाँ पर ढालू रोड है तो यहीं पर चलाना सीखा था। बहुत ईजी है यहाँ पर सीखना। ये जो रोड है ये गया मेरी की तरफ। तो हम लोग अभी सुकना में पहुंच चुके हैं, अब आएगा मिलिट्री एरिया, उसके बाद सुकना आ जाएगा।
लगभग आपका 45 मिनट में काठियान से लगभग सुखना पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी में। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो पब्लिश करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।